रैली के समर्थन में नारा लगाएंगे। बहन कुमारी, जब तक कि हाथी वाला बटन आप लोग नहीं दबा देंगे, इन शब्दों के साथ जय भीम जय भारत नमो हो जाए। धन्यवाद। धन्यवाद उपासक जी, आपने महत्वपूर्ण बात रखते हुए वोट की अपील की है। तो मैं साथियों में जो सामने जो खड़े हुए हैं, इनसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे मंच पर आते हैं। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद परम आदरणीय श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी का गुलदस्ते लेकर के स्वागत करेंगे। श्री राजवीर सिंह जो हमारे कैंडिडेट हैं, वो आए और माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी का वेलकम करेंगे गुलदस्ते लेकर। इन्हीं के साथ हमारे बीच में मंच में बासिन परम आदरणीय लेकिन बाबा साहब से फेरा लेते हुए आज चुनावी जनसभा दिल्ली प्रदेश की जनसभा की हमारे मुख्य स्पीकर दी हुई है। आपने भी देखा कि पांचों जो लोकसभा के लोग यहाँ आए हुए थे, पार्क के अंदर पार्क के बाहर सड़क पे लोगों का आपने हुजूम देखा, लोगों ने बड़े प्यार से सुना। बहन जी की जो अपील है, ठीक है, उसका बहुत असर जाएगा, गठबंधन का बहुत असर जाएगा और निश्चित तौर से बहुजन समाज पार्टी पूरी दिल्ली में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी इस बार। मैं शुरू से पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि मैं सिर्फ बहुजन समाज पार्टी का सिपाही हूँ, सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की मुखिया के कहने से करता हूँ। जो वो कहेंगी वो करूँगा, जहाँ भेजेंगी वहाँ जाऊँगा। मेरे जीवन का एक ही मकसद रहता है कि जो वो कहेंगी, जो बहुजन समाज पार्टी के लिए ठीक है वो करना है। उन्होंने मेरे को यहाँ पे भेजा और उन्होंने मेरे को कहा कि ये सीट हमने जीतनी है। मैं आपसे 50 बार पहले भी वादा कर चुका हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। 10 तारीख को कर रहा हूँ, 12 तारीख को वोट है। निश्चित तौर से उत्तर पूर्वी दिल्ली से मैं बहन जी को, बहुजन समाज पार्टी को, हमारे पूरे समाज के, दिल्ली के लोगों को एक इतिहास रच के दिखाएंगे कि हम दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी इतनी ताकत से जीती है कि ना पहले कोई जीता ना आगे जीतेगा। क्या संदेश देना चाहते हैं जनता? सभी लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोगों का जितना प्यार और आशीर्वाद हम लोगों को अभी तक मिलता आया है, इतने दिनों से आप हमारे साथ पूरी डेडिकेशन से लगे हुए हैं, कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, धूप में भी चल रहे हैं, प्यास में भी चल रहे हैं, भूखे भी चल रहे हैं, सब लोग ऐसे डटे रहिएगा। सबसे पहले 12 तारीख को जाके, जैसा बहन जी ने कहा, पहले अपने मत का प्रयोग करें, अपने जानने वालों का करवाएं, अपने साथियों का करवाएं, उसके बाद आके काम करें। 12 तारीख के बाद में जब हो जाएगा, मत आपका पड़ जाएगा, उसके बाद में आप आके रेस्ट करें, आपका घर का जो कोई छोटा मोटा काम है वो करें। क्या होगा आज माननीय बहन जी को सुनने के लिए? अपाभिर्थी लाखों के हजारों की संख्या में लोग इधर पहुंचे हैं और कितना जोश खरोश था। निश्चित तौर से माननीय बहन जी ने जो आशीर्वाद दिया है, हमारे प्रत्याशियों को हमें जो आशीर्वाद दे गई है, तो यहाँ पांचों सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाने जा रही हैं। और निश्चित तौर से हमारा एक कैंडिडेट बड़ी मजबूती के साथ पांचों सीट पर अपना पूरी तरह से जोश से लड़ा हुआ है और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीयता बहन कुमारी मालती जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो यहाँ सांसद बनने की तैयारी हो चुकी है। कुमारी मालती दिल्ली के इसमें दिलशाद गार्डन के रामलीला मैदान में आ जाई हैं आपके सामने। पूरी दिल्ली के कोने कोने से लोग इधर चल कर आए और बहन जी ने जो उनको दिशा निर्देश दिया है उस पर सब लोग पालन करेंगे। उन्होंने अपने पांचों कैंडिडेट को जिताने की अपील की है और आज इससे पूरी दिल्ली में जोश है, खरोश है। हर कार्यकर्ता यहाँ से, आज बहन जी ने भी कहा, सफर लेके जाएगा कि एक एक वोट चुनाव चिन्ह हाथी पे डालने का काम करेंगे। बीएसपी पार्टी से 2 बार बहन जी ने मुझे चुनाव लड़ने का मौका दिया है और मैं चाहती हूँ कि इस बार बहन जी भारी बहुमत से आए, क्योंकि बहन जी ऐसी प्रधानमंत्री की सीट पे आना हम लोग देखना चाहते हैं, जिसमें कि जो हम लोगों के साथ जो हमारे संविधान को हटाने की कोशिश कर रहे हैं और जो लोग हमारे असहाय गरीब लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, वो बहन जी देने का काम करेंगी। बहन जी से हम लोगों को बहुत उम्मीद है। आज तक किसी भी ऐसे प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं की है जितनी कि हमें बहन जी से उम्मीद है, क्योंकि